तो शिवम त्यागी ने कुछ सवाल ब्रेक से पहले पूछे थे। महन सुंदरदास जी, पहले आप उनका जवाब दे दीजिए, फिर अभय दुबे जी आपका रुख होगा। वारिस पठान साहब भी इंतजार कर रहे हैं और श्रीराज नाया साहब भी, महंत नवल किशोर जी भी यहाँ पर है। महंत राम सुंदर जी, रूबिका जी, जी सर, हमारे भारतवर्ष को अनेकता में एकता और भारत की ही विशेषता ऐसा कहा जाता है। तो महापुरुष जो हैं, जो जिन्होंने भारत और स्वतंत्रता दिलाने में जिन्होंने भी योगदान दिया है, उन सबका सम्मान है, सबका सम्मान हर भारतवासी करनी चाहिए, उसमें कहीं कोई भेद नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में। और हमारे यहाँ तो यह भी कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भावना से हम लोग भारतवर्ष में निवास करते हैं, तो हर किसी के प्रति हमारा आदर भाव होनी चाहिए। और हम तो सबको निरोगी, सबको हम अच्छा देखना चाहते हैं, हर प्राणी को हम देखना चाहते हैं। तो महापुरुषों के विषय में कभी भी किसी को भी भूल करके भी ऐसे आरोप प्रत्यारोप या फिर निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं नवल किशोर जी, ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है? क्योंकि सनातन धर्म के लिए तो कहा जाता है कि वो सबको अपने अपने साथ लेकर चलने की बात करता है। न जाने कितने आक्रांताओं को सनातन धर्म ने, हिंदुओं ने झेला है, लेकिन किसी से कभी कोई खौफ नहीं। लेकिन आज ये क्यों डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है? अरे इनको मुगल जब खतरे में नहीं डाल पाए, इनको जब अंग्रेज खतरे में नहीं डाल पाए, इनको न जाने कितनों ने हिलाने की कोशिश की, भारतवर्ष वैसा का वैसा है, सनातन धर्म वैसा का वैसा है, कौन हिला सकता है इसे? क्या जी, इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, तय हुआ था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमानों का। गांधी जी के कारण, फिर कह रहा हूं, आदर के साथ कह रहा हूं, आदरणीय गांधी जी के कारण आज तक यहाँ पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा है। उसमें निर्णय हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, मुर्दाबाद नहीं हुआ। सुनिए, क्यों बोलूं, क्यों बोलूं, आप बताओगे किसके लिए मुर्दाबाद? क्या मतलब है भाई, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों बोलूं? आपको बीच में बोलने की आदत है ना, बीच में मैं बोल रहा था तो बीच में बोल रहे थे आप, पटापट। आप कौन हो? आप कौन हो? तुम्हारे कहने से बोलूंगा क्या? आप बोलिए, तुम्हारे कहने से बोलूंगा क्या? आप कौन हो? तुम्हारा नहीं बोलूंगा। आप बोलिए, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन थे, देश के राष्ट्रपिता थे। हम क्या बोलेंगे आपको, पूछ के बोलेंगे क्या? महात्मा गांधी का हम सम्मान करते हैं, उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, नहीं था ये देश का नाम बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था। इसलिए कह रहा हूँ, आप खुलेआम धमकी दोगे हिंदुओं को, धमकी दोगे कि 15 मिनट के पुलिस डालो, आप धमकी दोगे मुर्दाबाद बोलेंगे। लेकिन आप एक चीज बताइए ना, वारिस पठान जो आपके नेता करते हैं इस देश में, सांसद होने के नाते जो आपके नेता इस देश में करते हैं, जिस तरीके की नफरत फैलाते हैं, वो गांधी जी का वास्ता है क्या? गांधी जी उस रास्ते पे चलना सिखाए थे क्या AIMIM को? गांधी जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम में आकर स्टेज पर खड़े होकर देश के हिंदुओं को और देश की पुलिस को गालियां दो और उनको डराओ और धमकाओ। नहीं, ये गांधी जी ने कहा था क्या? ये ओवैसी जी कौन सा स्टेज पर आकर जो है पाठ पढ़ाते हैं शांति का? कभी उनसे भी पूछ लिया कीजिए, कभी उनसे भी कह दिया कीजिए। कभी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हो, कभी कहते हो कि आपको देख लेंगे। नहीं नहीं, कभी उनसे भी कह दिया करो ना। गांधी को मानना सिर्फ टीवी पर ही आता है या रैलियों में भी मानते हैं? जब रैली में मुस्लिमों के लिए बात करते हैं तो गांधी जी देश के रास्ते क्या था? एक एक करके, 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 गांधी मतलब हमेशा के लिए ना, सिर्फ टीवी के लिए। वारिस भाई, शिवम जी, महंत नवल किशोर जी, एक सेकंड, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, तुम माफी मांगो फिर मैं मांगूंगा, तुम मुर्दाबाद कहो फिर मैं मुर्दाबाद कहूंगा, ऐसा कब तक चलेगा? हमें भी आप मुझे कुछ भी लिख दीजिए, मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आपसे। मतलब दो सवाल पूछ लिए तो भड़क गया, कमाल की बात है। नहीं, मुझे बस इतना बता दीजिए आप, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, मेरे नाम के नीचे जो लिखवाना हो ना वो मेरे घर आप कुरियर कर देना, मैं लिखवा लूंगा। लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए, ये जो हिंदू मुसलमानों में आग लगाते हो, ये जो हिंदुओं को गाली देते हो, ये जो पुलिस को गाली देते हो, ये गांधी जी ने सिखाया था क्या असद भाई को? ये गांधी जी ने सिखाया था?
संविधान के एक्सपर्ट भैया मुझे मत बताइए, आप मुझे मत बताइए, जिस पर बहस करनी है कर लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये हिंदुओं को गाली देकर जो दुकान चलाते हैं आप AIMIM की, क्या वो गांधी जी के हिसाब से ठीक है? गांधी जी के हिसाब से ठीक है कि नहीं है बताइए? कानून के हिसाब से ठीक है कि नहीं है? अकबरुद्दीन अपने बयान की वजह से बेल पर बाहर है कि नहीं है? गलती की थी तभी तो जेल गए थे ना, घूमने तो नहीं गए थे? एजेंट है यहाँ पे लिखी RSS। अरे मैं किसी का भी एजेंट सही, मैं कह तो रहा हूँ आपको, आपको जो कहना है कहिए, मुझे बस इतना बताइए कि वो 15 मिनट में 15 मिनट खाली छोड़ दीजिए, हम 20 करोड़ हैं तो 80 करोड़ हो, ये बयान गांधी जी के हिसाब से है क्या? बनाना बैठ गया पे, मतलब ये गांधी जी सिर्फ आपको डिबेट में याद रहते हैं? किसने किया बयानबाजी? नहीं, गांधी जी डिबेट में याद रहते हैं क्या? गांधी जी डिबेट में याद रहते हैं? रैली में जब जाते हो जब गांधी जी नहीं होते? बयानबाजी हरिद्वार में, कमाल की बात है, रायपुर में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर देश में 50,000 लोग इकट्ठा करके कार्रवाई करेंगे और पुलिस को देंगे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ABP News आपको रखे आगे।